यहां तक कि गांव वालों को अपने खेत जाने के लिए भी उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। निजी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है बस्तर में, कोई स्वतंत्रता नहीं है। उनको बाजार जाने के लिए आई कार्ड दिखाया जाता है, दिखाना पड़ता है, जैसे वहां सेज कानून लागू हो गया हो। ये संसाधन के लूट के लिए ये ताकत लगाई जा रही है, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए ताकत लगाई जा रही, सैनिकीकरण किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को वहां से बेदखल किया जा सके। सर्वजुडुम के समय में 750 गांव खाली हुए, वहां के आदिवासी आज तक बस नहीं पाए। लोकतंत्र आदिवासियों के गण व्यवस्था से आया है, ऐसा संविधान के अंदर में है, लेकिन उसी लोकतंत्र को, उसी लोकतंत्र की हत्या के लिए आदिवासियों की हत्या बहुत जरूरी हुई इस फांसीवादी सरकार। देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, यहाँ तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, यहाँ तक मणिपुर के राज्यपाल आदिवासी हैं, उसके बावजूद आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। आज का ये भारत के महान इतिहासों में आज का दिन महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत के अवसर पर आज फोरम की ओर से आदिवासी अधिकार सभा का जो आयोजन किया गया है, मैं फोरम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हमें अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है, उसके लिए भी मैं जोरदार धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आदिवासियों की हालत देश के अंदर में मात्र एक कीड़े मकोड़े की तरह है। देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, यहाँ तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, यहाँ तक मणिपुर के राज्यपाल आदिवासी हैं, उसके बावजूद आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए कि कभी उनकी आवाज़ उन जंगलों से न राजधानी पहुंचती है न दिल्ली पहुंचती है, वो जंगल में ही खामोश आवाज की तरह दबी, उस राग में चिंगारी की तरह कभी तेज होता है, कभी फिर शांत टाइप का जो रहता है माहौल। आज बस्तर से बहुत सारे साथी आने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां वहां की बहुत खराब है। अपनी बात कहने सरकार के पास भी जाएं तो हमें रोकी जाती है। हम पर रोक लगाया जाता है, रोका जाता है और हमारे गाड़ियों को रोक के गाड़ी के ड्राइवरों को पीटा जाता है। आज रायपुर में एक कार्यक्रम था, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, हमारे बीजापुर जिले के साथी लगभग 1.5-2 लाख से में 2-3 गाड़ियां बुक करके आ रहे थे, उनको रोका गया, पीटा गया और रात को 2 बजे उतारा गया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज लोकतंत्र की बात आती है, आदिवासियों जो संविधान के अंदर में जो लिखा हुआ है, लोकतंत्र आदिवासियों के गण व्यवस्था से आया है, ऐसा संविधान के अंदर में है, लेकिन उसी लोकतंत्र को, उसी लोकतंत्र की हत्या के लिए आदिवासियों की हत्या बहुत जरूरी हुई इस फांसीवादी सरकार। पिछले 2022 में संयुक्त राष्ट्र का एक बैठक हुआ पर्यावरण के ऊपर, तो पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह कहा कि विश्व के 40 देशों में
आदिवासियों ने 70% जंगल को बचा के रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं कहा ये जंगल को बचाने वाली कोई सरकार है, ये जंगल को बचाने वाले ना तो कोई अडानी अंबानी है ना पूंजीपति है, ऐसा वैज्ञानिकों ने नहीं कहा। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि पर्यावरण के रक्षा के लिए आदिवासी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, किसानों के हकों की लड़ाई, मजदूरों के हकों की लड़ाई, हर लड़ाई में सहभागिता निभाते हैं। मणिपुर में जब घटनाएं हुई तो जितने बस्तर में जन आंदोलन है, अंदर में जंगल के अंदरों में जो आंदोलन हो रहा है, वहां कड़ा विरोध किया गया, क्योंकि ठीक उसी तरह से सर्वजुडुम के समय में घटनाएं हुई जो हमारे हिमांशु दादा अच्छी तरह से बता रहे थे। घरों को जलाया गया, बीजापुर जिले की घटना जो 16 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ आवाज दबाई जाती है और आवाज उठाने वालों को या तो उसको माओवादी करार दिया जाता है या फिर कोई बुद्धिजीवी उस आवाज को, उस आवाज में आवाज मिलाना चाहे तो उन बुद्धिजीवियों को भी अर्बन नक्सल के केस में डाल देते हैं, देख ही रहे हैं आप। और कभी भी वहां उस क्षेत्र में जहां पे आदिवासियों के ऊपर हत्याएं हो रही है, आदिवासियों को हत्या किया जा रहा है, वहां अभी भी कोई मानवाधिकार संगठन को जाने नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को जाने नहीं दे रहे हैं, हर कैंप में रोका जाता है, हम जैसे लोगों को भी वहां जाने नहीं दिया जाता है, हमको भी 10 जगह हर कैंप में अपना आइडेंटिफाई कराना पड़ता है। और यहां तो यही स्थिति बनी हुई है कि हर 5 दिन के अंदर में एक नया कैंप खोला जा रहा है। अब ये जो लूट है संसाधन की, अभी अभी चर्चा हो रही थी तो मैं बता रहा था कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नहीं है ये संसाधन के लूट के लिए ये ताकत लगाई जा रही है, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए ताकत लगाई जा रही है, सैनिकीकरण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा सके। सर्वजुडुम के समय में 750 गांव खाली हुए, वहाँ के आदिवासी आज तक बस नहीं पाए, जहाँ जहाँ संसाधन हैं वहाँ वहाँ सबसे पहले कैंप रखे हुए हैं। अगर ये सुरक्षा बल आदिवासियों के ही जैसे होते, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए होते, तो ये निर्दोष आदिवासी अभी 20 निर्दोष आदिवासियों का भी 3 महीना के अंदर में फर्जी इनकाउंटर करके मारा गया। इस मुद्दे को मैं एक चैनल में मैं अपना वाइड दिया था तो मेरे लिए नोटिस आया था, क्या आप ऐसे बोलेंगे पुलिस के खिलाफ तो आपको नक्सली समर्थक घोषित किया जाएगा। मैंने बोला मैं पहले भी फर्जी नक्सली केस से जेल से आया हूँ, 5-5 बार साफ बोला मैं, तो ऐसे लगाया जाता है। हमारे जो नौजवान साथी अभी आंदोलन रहते हैं वहाँ जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, उन लोगों को हाट बाजार जाते समय उठा के जेल में डाल दिया जाता है और तमाम कैसे हैं आसपास के पूरे उनके ऊपर लगाया जाता है। बहुत सारे साथी अभी हर दिन एक सोशल मीडिया में आते रहता है हमारे पास कि फलाने के आंदोलन धरना स्थल के साथी को उठाया गया है, लेकिन कभी भी हमारे आदि निर्दोष आदिवासियों को गोली मारी जाती है तो एक भी पुलिस वाले या एक भी थाने में FIR दर्ज नहीं होता। ये कुत्ता भी एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसका भी FIR होता है, लेकिन आदिवासियों को खुले तौर से गोली मारने पर भी आदिवासियों के ऊपर FIR नहीं होता। आज तक हजारों केसेस हैं बस्तर के क्षेत्र में, लेकिन एक भी FIR नहीं हुआ, और जिनके FIR हुआ, जिसका जाँच रिपोर्ट आया भी, उसको संविधान सभा में रखा गया छत्तीसगढ़ के, तब भी कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं उठाया, क्या यही लोकतंत्र है? क्यों निर्दोष आदिवासियों को मारने के बाद भी हिमांशु दादा के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगा दिया था? नहीं दिए, विरोध किए हम जंतर मंतर में जाके साथ में, हम नहीं देंगे करके। तो ये सही बात है, ऐसा दबाया जाता है, सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो बोलते हैं, हमको बार बार रोका जाता है। मुझे तभी एक
आदेश भी आने वाला है, क्या बस्तर तरफ के कोई आंदोलन में मत जाओ कर। तो ऐसे ही स्थिति है, ये सैनिकीकरण जो कर रहे हैं वो पूरा ये संसाधन के लूट के लिए है। और अभी तो 50 कैंप फिर खुलने वाले, फिर 50 कैंप, हर 5 किलोमीटर हर 4 किलोमीटर में एक कैंप है। यहाँ तक कि गांव वालों का अपने खेत जाने के लिए भी उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। निजी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है बस्तर में, कोई स्वतंत्रता नहीं है, उनको बाजार जाने के लिए आई कार्ड दिखाया जाता है, दिखाना पड़ता है, जैसे वहां सेज कानून लागू हो गया हो। ऐसी भारी भारी परिस्थिति में हमने कई बार कोशिश भी किया, तमाम हमारे दिल्ली के बॉर्डर में लड़ रहे किसान साथी और मजदूर साथी और अलग अलग राज्यों में लड़ रहे हैं उन साथियों से हम अपील करना चाहते हैं कि अभी मणिपुर वाले भाई बोले कि पूरे भारत के अंदर में पूरे विश्व के जितने भी आदिवासी जो मूवमेंट हैं, आंदोलन हैं, संसाधन को बचाने की आंदोलन हो चाहे मानवाधिकार को बचाने का आंदोलन हो, सबको एक मंच में आना चाहिए करके मैं भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि सेना की ताकत, सत्ता की ताकत उन पूंजीपतियों के पास है जिन पूंजीपतियों के खिलाफ हमारे शहीद भगत सिंह से लेके आज तक हम तमाम लोग लड़ रहे हैं, जो मेहनत का जनता है वो उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं और उनके विचारों को लेकर लड़ रहे हैं, तो ये करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भारत आज़ाद हुआ होगा लेकिन आदिवासी आज भी गुलाम है इन सत्ता में बैठे हुए उन चंद पूंजीपतियों के, दलालों दलाल नेताओं के, उन सत्ता के। बहुत बार बात आती है वहाँ की बस्तर की, चलो बस्तर में तो नक्सलवादी हैं, नक्सलाइट हैं, माओवादी हैं करके फोर्स लगाया जाता है, लेकिन हसदेव के जंगल काटने के लिए फोर्स क्यों लगाया गया? हसदेव के जंगल को काटने के लिए जो छत्तीसगढ़ में ही आता है जहाँ माओवाद का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ भी फोर्स लगाया जाता है। तो सीधा से सवाल यही है कि ये सेना फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ संसाधन को लूटने के लिए है, क्योंकि आदिवासी जिस जगह पे बैठे हैं पूरे विश्व के अंदर में जिस जगह पे आदिवासी बैठे हैं वहाँ 10,00,000 करोड़ की संपत्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र के जो केंद्रीय मंत्री रहे जयराम रमेश जी जब वन पर्यावरण मंत्री रहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोले हैं कि आदिवासी गरीब नहीं है, वो 10,00,000 करोड़ के संपत्ति में बैठे हुए लोग हैं। और यहाँ आदिवासियों की स्थिति कैसी है? ये लोग विकास की बात कर रहे हैं सिर्फ आदिवासियों की हत्याएं करके, आदिवासियों को विस्थापित करके, आदिवासियों को हटा के ये लोग विकास की बात करते हैं। इस बात को हम उठाना चाहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सड़कों में उतरते हैं तो हमें रोका जाता है, ठोका जाता है। किसान बेचारों का क्या दोष है? इनके ऊपर भी क्या क्या अत्याचार नहीं किए? अभी 50-60 हज़ार फोर्स लगा दिए हैं, क्या उनको हक नहीं है ये इस दिल्ली में आके अपनी बात रखने की? क्या आदिवासियों को हक नहीं है इस दिल्ली में आके अपने सवाल रखने की? जिस सरकार को हमने मत दे के चुना है उसके सामने ये लोकतंत्र कहाँ की है? जहाँ लोगों के ऊपर बरसाई जाती है तो वो कौन सी तंत्र है जिसको लोकतंत्र बोलते हैं? जहाँ के लोग तड़पते हैं, अपने अभिव्यक्ति खो रहे हैं, उनके अभिव्यक्ति पर बंदूक टिकाई जाती है, जो आर्टिकल 19 में है उसका अधिकार छीना जा रहा है, क्या वो देशद्रोहिता नहीं है? कहीं फासिस्ट नहीं है? वो फांसीवादी ताकत है, इन तमाम फांसीवादी ताकतों से लड़ना है तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी तमाम लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी कहीं जाके लोकतंत्र बचेगी। ना तो इन लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे कोई राजनीति पार्टी, कोई नेता कदापि विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि 75-76 साल नहीं चला सके इस देश की आज़ादी को, वो क्या लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? लोग अपनी तंत्र की रक्षा खुद करेंगे, लोग जब उतरेंगे सड़कों में, जब भगत सिंह के रास्ता अपनाएंगे तभी ये बचेगा। भगत सिंह जी ने खुद ही कहे हैं कि ये झूठी आज़ादी है, ये झूठी आज़ादी है। एक मजदूर, महान मजदूर नेता रहे अन्ना भाऊ साठे,
महाराष्ट्र में, उन्होंने दूसरे दिन रैली निकाल के इसका विरोध किया था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है करके। जहाँ बरसात पानी में भी इतने हजारों लाखों की जनता भीड़ उमड़ पड़ी थी उस इस आज़ादी को विरोध करने के लिए, लेकिन आज हमको टुकड़े टुकड़े में करके आंदोलनों को तोड़ा जा रहा है और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर, यहाँ तक कि बस्तर में तो नहाती हुई महिलाओं का ड्रोन से वीडियो शूट करते हैं उनको जलील करने के लिए, उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए, वहाँ तक भी नहीं बन पड़ता इनको तो आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं लोग, खुद दिखाने जाते हैं वीडियो बना के, देखो हम तुम्हारा वीडियो बनाए करके। हमने इन बातों को सरकार को अवगत कराए, थानों में दिए, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दूध पीती हुई बच्ची को गोली मारा गया, कार्रवाई तो दूर, सरकार ने कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। कितने बेशर्मी की बात है ये, किसको कानून कहें, किसको सरकार कहें, ऐसी स्थिति बनी है। और ये जल्दी से जल्दी अगर हम एक संयुक्त मोर्चा का गठन नहीं किए तो ये लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि 2024 में पूरा पूंजीपति उद्योगपतियों का राज होगा। ये दलाल लोग पूरा देश को बेच चुके हैं, ये तमाम संपत्ति संसाधन जो है सार्वजनिक संसाधन उनको भी पूरा बेच खाएंगे लोग, और कहीं जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये इसीलिए तो ये सी ए और NRP क्या क्या बोलते हैं वो सब ला रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को ये लोग जेल में बंद करेंगे और चंद पूंजीपति और उनके जो तलवा चाटने वाले नेता मंत्री बाहर आज़ाद घूमेंगे। इसीलिए वो कानून को पास करना चाह रहे हैं बार बार। साथियों, मैं और ज़्यादा नहीं कह के यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिंदाबाद।